हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी वीडियोस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आलू दम बिरयानी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही इजी वे से बनाएंगे और बहुत ही यमी बिरयानी बनेगी। तो स्टार्ट, आलू दम बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। मेरे पास ये बॉयल्ड आलू है, ये बड़ा है तो इसमें से कट लगा के हम इसको थोड़ा सा मीडियम साइज का कर लेंगे। आलू ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ये देखिए, हल्का हल्का हम इनको फोक की हेल्प से प्रिक कर लेंगे ताकि मसालों का टेस्ट पूरा आलुओं में जा सके। और ये देखिए, एक कटोरी मैंने चावलों की भिगो कर रखी है पैन में या कढ़ाई जिसमें हमने बनाना है। ये देखिए, एक चम्मच मैंने बटर ऐड किया। अब इन आलुओं को थोड़ा सा हम बटर में शैलो फ्राई सा कर लेंगे। आलू शैलो फ्राई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। ये देखिए, पानी खुले बर्तन में मैंने रखा है, इसमें मैं एक दालचीनी की स्टिक डाल दूंगी ताकि पूरा अच्छे से चावलों में फ्लेवर आए। और इसमें डाल देंगे हम भीगे हुए चावल, एक चम्मच नमक का ऐड कर देंगे और दो चम्मच हम इसमें ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। 80% तक हम इन चावलों को इसी तरह पानी में उबालेंगे। फ्रेंड्स, आप इस टाइम पे जीरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट जीरे से चावलों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो मैंने नहीं किया। ये देखिए, इस तरह से हल्के हल्के जब आलू शैलो फ्राई हो जाएंगे इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी सी हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। चावल चेक कर लेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये बस इस तरह के होने चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से फूट रहे हैं। ये 80% तक कुक हो चुके हैं, बाकी के 20% बिरयानी में कुक करेंगे हम। इसको जल्द से छान लेंगे और ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसकी जो कुकिंग है वो स्टॉप हो जाए। बाउल में शिफ्ट करके ये देखिए, ये मेरे पास दही है। आलू में दही ऐड करेंगे। बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे, एक चम्मच। स्लिट की हुई हरी मिर्ची है वो डाल दी मैंने। धनिया ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे नमक है। और एक हम ऐड करेंगे अच्छे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच। बस इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और बस 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। एक चम्मच बटर का मैंने डाला, देसी घी में मैं बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको नॉर्मल ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे खड़े मसाले, दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और काली मिर्ची। अब इसमें लौंग भी डाल देंगे तो फ्लेवर और भी बढ़िया आएगा। 2 तेज पत्ते हैं, 2 छोटे साइज के टमेटोज हैं वो ऐड कर देंगे। हल्का सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं। 1/4 टीस्पून जितना मैंने नमक ऐड कर दिया। बस अब हम ऑयल सर्विस आउट होने तक इनको गलाएंगे। ये देखिए, अच्छे से कुक हो चुके हैं टमेटोज, ऑयल अच्छे से सर्विस आउट हो गया। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ी सी रेड चिली और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला आधा छोटा चम्मच। अब जो हमने मैरिनेट किए हुए आलू थे वो इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम फ्लेम को कर लेंगे हाई और अच्छे से जो इसमें दही गला हुआ है उसके कुक होने तक हम इसको पकाएंगे 2-4 मिनट। ये मेरे पास अमूल की क्रीम है, थोड़ी सी बस टेस्ट को सेट करने के लिए मैं ये डाल दूंगी।
ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, इससे और भी रिचनेस आ जाएगी बिरयानी में। रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बिरयानी घर में बनकर फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी है, जरूर से ट्राई कीजिए और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको आज की ये आलू दम बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।